हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमने प्लान किया है कि हम जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर जो है होस खास में। अच्छा जी, ये वीडियो है 14 तारीख की, 14 अगस्त की। तो हम क्या है, अगर मान लो कोई फेस्टिवल होता है तो हम अगर घूमने का प्लान होता है तो हम पहले घूमाते हैं। जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन हम सब घर में रहना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं जगन्नाथ मंदिर और ये मेन रोड पर ही है। तो ये थी जो ये अंबिका का भाई था, तो उसने कहा कि चलो मम्मी जगन्नाथ मंदिर चलते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो ये कुछ स्टेप से है, तो वाइट है ये पूरा, देखिए। और ये जो टाइम है, ये टाइम था 4:30-5 के आसपास टाइम था, तो धूप थी, गर्मी का भी टाइम था, मतलब गर्मी भी लग रही थी इस टाइम। और तो ये जो मंदिर है वो है विष्णु जी का, विष्णु बलराम जी का। तो इसमें देखिए हम अंदर चले गए हैं, तो भीड़ नहीं थी ज़्यादा, 2-4 ही लोग थे मंदिर के अंदर, देख रहे हो आप। और ये हमें पंडित जी ने चरणामृत दिया और प्रसाद दिया। तो इसमें 3 रूम ही थे मेरे हिसाब से, ज़्यादा रूम नहीं थे। और ये रूम अभी उन्होंने खोले भी नहीं हैं, बंद ही हैं, बंद में दर्शन किए हैं। तो यहाँ के देखिए जो पहाड़ की हरियाली है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर हमने फोटो क्लिक किए, वीडियो बनाई, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे बाहर का हरियाली। तो शायद ही किसी को ना अच्छी लगे, वरना सभी को अच्छी लगती है। और मैं कहता किसी को भी नहीं होगा शायद जैसे अच्छी लगे। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं, ये नीचे मंदिर के नीचे बेसमेंट था, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा हमें। देखिए आप कितना क्लीन है, यहाँ पर देख सकते हो फर्श में मतलब चमक आ रही है, कितना है ना चमकीला सा लगता है, इतनी शाइनिंग है। तो ये काफ़ी बड़ा हॉल था, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे इनका जो सत्संग वगैरह होता होगा वो होता होगा शायद, अंदाज बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बच्चों को लगी थी पानी की पीने का प्यास, तो इन्होंने हाथ वाथ धोए अपने, पानी पिया। और यहाँ पर भी एक रूम था जिसमें मूर्ति रखी हुई थी। तो यहाँ पर कहीं बाहर प्रसाद वसाद नहीं मिल रहा था, नहीं था तो हमने लिया भी नहीं। और बाहर कोई ऐसी मार्केट भी नहीं थी जहाँ पर हम प्रसाद लेते। और जो मैं पैसे, खुले पैसे, जैसे मंदिर जाती हूँ तो मैं खुले पैसे लेकर जाती हूँ, वो मैंने चढ़ा दिए थे, है ना, जो दान पत्र होता है उसमें डाल लेते। तो हम यहाँ नीचे करीब 1.25 घंटा करीब हम यहाँ पर बैठे, अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडा ठंडा। और उसके बाद हम निकल पड़े हैं जी सिलेक्ट सिटी मॉल, क्योंकि टाइम अभी बहुत था अभी। और देखिए सिलेक्ट सिटी मॉल हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से करीब हमें 1.25 घंटा ही लगा था, क्या दूर था फिर भी। और ये अंबिका, अंबिका के भाई, और हम तो मैं पीछे थी तो मैं अंबिका को बुला रही थी। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे जो चेकिंग करने का जो टाइम आता है, तो मेरे हाथ में मोबाइल था, जो चेकिंग करने की जो लेडी होती है उन्होंने, वो मुझसे कह रही कि वीडियो नहीं बना सकते आप, वीडियो बनाना यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो मैंने सॉरी बोलते हुए उनको मतलब फ़ोन रख दिया, कह रही कि आप अंदर बना सकते हो, यहाँ नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे जो लेडी वाले हमसे, अंबिका और मैं यहाँ पे निकल गए थे, जेंट्स वाले में वो जो निकल गए थे। तो देखिए यही थी, मैंने बनाई वीडियो फिर बंद कर दी। ये हम आ गए हैं अंदर। और मैं एक बात कहूँ, ये फेस्टिवल होता है ना और आप मॉल में जाओ यार, अलग ही रौनक होती है। देखो कितने तरीके से सजाया है उन्होंने, सच में बहुत सुंदर लग रहा था। जो ऊपर का जो पूरा जो छत वाला एरिया होता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वीडियो पूरी। मुझे बाहर के तो पता नहीं, पर दिल्ली में सबसे बड़ा मॉल यही है। थे
अच्छा जी, मॉल में भी हम काफ़ी देर हम घूमते रहे। उसके बाद भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन टाइम भी इतने में टाइम 7 बजे के आसपास टाइम हो गया था। काफ़ी घूमने के बाद वही मॉल में सामान काफ़ी कॉस्टली मिलता है, तो हम कभी कभार मन होता है तो बच्चों को दिला देते हैं, वरना हमेशा नहीं ले पाते हम, झूठ के बोले। और ये देखिए, हम सबसे जो टॉप फ्लोर है हम यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए, जो म्यूजिशियन है वो जो बजा रहे थे, तो बहुत अच्छा अच्छा मतलब अलग ही माहौल था। और देखिए, सब बहुत खुश थे, बहुत बहुत। भाई घूमना फिरना तो भाई ये खाने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे मेनू कार्ड देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम जाकर देख के आते हैं। तो मैं उनके साथ गई, तो हम देख ही रहे थे कि मतलब क्या खाएं, जैसे फुल खाना हमें खाना नहीं है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमने चाइनीज़ प्लेट ली, और ये अंबिका का भाई था, ये अपने लिए कुछ अलग लेके आया, पता नहीं क्या लेके आया, मतलब ये समझ में नहीं आया बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाई अभी हमारा खाना पीना हो रहा है और हम अच्छा खाना नीचे। और ये देखिए, ये इससे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं इस पे उतर रही थी तो पहले मुझे जो ये मुझे यूज़ करना नहीं आता था, डरती थी मैं। ये करीब जब बच्चे बड़े 2-4 साल के थे तब की बात है, फिर इसके पापा ने कभी झाड़ लगाई कि इसके, उसके बाद फिर मुझे आ गया ये मुझे जब मैं सीढ़ी से उतरी तो मुझे याद आ गया। अच्छा जी, ये है ग्रोसरी स्टोर होता है जहाँ पर, तो यहाँ पर मैं चीज़ और कुछ सामान देख रही थी, बट इसका भाई बोला मम्मी अब तो हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, तो बेकार में यहाँ से मत लो। और फिर ये लोग ना बताएंगे टैक्स वैक्स क्या क्या लगा देंगे। और एक मैंने कुछ सामान भी देखे, जैसे मैंने बादाम के लिए ट्राई मारा, रेट मतलब देखे उसमें, तो यहाँ पर बादाम थे 1400 रुपये किलो, और जबकि हमारे नियर मार्केट में मिलते हैं 700 रुपये किलो इतना फ़र्क था, फिर मैंने नहीं लिए है ना, वो तो बस देख देख के इंजॉय करते रहे हमने। और इन्होंने हमें एक जलजीरा पानी पिलाया, मुझे वो भी पसंद नहीं आया भाई, मुझे तो लोकल मार्केट का जलजीरा पानी अच्छा लगता है, पता नहीं कैसा जलजीरा पानी था, उसमें मीठा था अच्छा जी, ये जो हम लास्ट में आ गए हैं, ये आ गए हैं हम जा रहे जहाँ स्पोर्ट्स का होता है, पूरा सामान रखा होता है। तो हमारे परिवार का जो है ना, एक 1.5 घंटा यहाँ पर जरूर निकलता है, ये सब इनको लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और तो देखिए इसके अंदर आ गए, पर है ये काफ़ी बड़ा है ये एरिया है, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ से मैंने एक अपने लिए मतलब ली थी मैंने, मुझे पता नहीं है कि वह क्या बोलते हैं उसको, पजामी टाइप की ली थी, जो थी 800 रुपये की। तो वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं इसमें पार्क जाती हूँ तो उससे पहनने के लिए। और इसके बाद मैंने की एक साइकिलिंग मैंने बड़े वाले बेटे से कहा कि तो मेरी वीडियो बना, बट आदत नहीं है ना, तो थोड़ा सा मैं थकावट भी महसूस हो रही थी मुझे, क्योंकि चीज़ों की धीरे धीरे आदत पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए हैं बाहर, जो बाहर का एरिया है वहाँ पर हो रहा था आर्मी वालों का जो अपना फेस्टिवल है वो मना रहे थे वो, तो वहाँ पर हम बैठे थोड़ी देर, 10-15 मिनट बैठे वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था भाई। जो रियल हीरो होते हैं वो हमारे यही होते हैं। उसके बाद ये अपनी आवाज़ में गाना गा रहे थे, तो बहुत 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 अच्छा लगा। लेकिन टाइम इतने में हमें टाइम हो गया था 9 बजे, फिर 9 बजे का टाइम हो गया था, तो हमें मतलब घर आते आते हम 10 बज गए थे, 10 का टाइम हो गया था,
इसके बाद मैंने थोड़ा सा घर में काम किया किचन में, और उसके बाद मैं 11:15 बजे सोई। सुबह आज लेट भी उठी और मैं पार्क भी नहीं जा पाई। तो इनका जो भाई जो भी है भाई, मैं तो इन्हीं को हीरो मानती हूँ भाई। तो ये देखिए, ये आर्मी के थे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे ये माइक में। ओके तो मेरे साथ, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।